यूपी बोर्ड 12th की संपूर्ण तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम गिरीश राठौर एंड वंस अगेन आई हैव कम बिफोर यू विद अ मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, मोस्ट वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक, डिग्रीज। आज हम लोग डिग्री पर चर्चा करेंगे और यदि आपको पूरी डिग्री, ये ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉब्लम का ये टॉपिक रहता है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। यदि आपको सारा कन्फ्यूजन दूर करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपको, जैसे मैं वीडियो बनाऊँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हम वन बाई वन करके स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे 2-3 वीडियो में पूरी डिग्रीज आपकी कवर कर देंगे, बस आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए डिग्री स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी बेसिक जान लेते हैं। होता क्या है, जब हमें बेसिक नहीं पता होती है तो ही आगे हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होती है, इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स बोथ हैव थ्री फॉर्म्स, ये तीन फॉर्म्स में होती हैं, तीन अवस्थाओं में ये पाई जाती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री इज अ नॉर्मल स्टेट ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की नॉर्मल स्टेज होती है, जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होती है, देयर इज नो कंपैरिजन। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, यहाँ कंपेयर किया जाता है, यहाँ तुलना की जाती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जब कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन की जाती है, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। बहुत सिंपल तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी, मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोल सकते हैं, इससे जो ऊपर लाइन जा रही है इसको कंपैरेटिव डिग्री बोल सकते हैं, और जो सबसे ऊपर लाइन गई है उसको हम सुपरलेटिव बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि पॉजिटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, कंपैरेटिव कैसे पहचानेंगे, सुपरलेटिव कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, पॉजिटिव डिग्री मोस्टली आपको इसमें सो, एज या फिर एज लिखा मिलेगा तो आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होगी, कंपैरेटिव डिग्री में एक तो आपको ER, मोस्टली ER आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब में लगा हुआ मिलेगा, जैसे ग्रेट से ग्रेटर होता है, और उसके बाद में देन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप इस देन को याद रखिए कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बताई। अब जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम में ट्रांसफॉर्मेशन में ये चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही एक चैप्टर है, उसी में एक टॉपिक है जिसमें इंटरचेंजिंग करनी होती है। तो आज हम इनकी इंटरचेंजिंग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम इनकी चेंजिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी, तभी आप डिग्री चेंज कर पाएंगे। नंबर एक, यदि कंपैरिजन दो के मध्य, यदि कंपैरिजन दो के बीच में होती है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका ही रूल्स आपको बताया जा रहा है। यदि दो के बीच में कंपैरिजन होती है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि क्या करेंगे, एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा, कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये पता करेंगे कौन सी डिग्री दी गई है।
मैंने बताया था देन का प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है, सॉरी देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है, क्योंकि ये कंपैरेटिव है, हम इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यदि व्हेन कंपैरिजन इज गिवन ओनली बिटवीन टू पर्संस, टू प्लेसेस, टू थिंग्स, देन वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू टू डिग्रीज, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव। डोंट मेक सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। यदि दो के बीच में कंपैरिजन होती है तो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री ही बनेगी। द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर कंपेयर दो के बीच में हो रही है। आई एम स्ट्रोंगर, मैं स्ट्रोंगर हूँ तुमसे, तुम्हारी अपेक्षा मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है आई और यू, तो व्यक्तियों के बीच में हो रही है। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है वन हु इज सुपर टू ऑल, जो सबसे सुपर है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। यहाँ सिर्फ दो की बात हो रही है, सबकी बात ही नहीं हो रही। तो पॉजिटिव डिग्री, एक तो दी गई डिग्री कंपैरेटिव पॉजिटिव ही बनेगी ऐसी की, तो परीक्षा में तो सुपरलेटिव इसका आएगा ही नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको ये पता लग गया कि दो के बीच में कंपैरिजन है, कैसे जानेंगे, देखिए सेंटेंस पढ़ेंगे समझ में आएगा। आई एम स्ट्रॉन्गर, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, देन माने की अपेक्षा, या से तुमसे, मैं तुमसे स्ट्रॉन्गर हूँ। तो कंपैरिजन इज ओनली बिटवीन टू, आई और यू के बीच में कंपैरिजन हो रही है। इस केस में आपको क्या करना है, इसकी पॉजिटिव डिग्री आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ इनके तुम्हें प्लेस चेंज करने हैं, बस प्लेस इनके चेंज कर देने हैं। देखिए ये जो सेंटेंस लिखा है ये ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि किस तरह से डिग्री बनेगी। इसमें सबसे पहले आई था तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिख देंगे, जो भी उधर दिया गया होगा। अगर वहाँ पर मान लीजिए कभी कभी मी दिया जाता है, इधर यू उधर मी हो, तो मी से शुरुआत नहीं करेंगे, फिर आई से करेंगे, क्यों आपको पता है मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमने यू लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आई के बाद एम था तो यू के बाद आर आ गया, है सरल। उसके बाद इसमें स्ट्रॉन्गर है, हमने बताया कि ई आर लगता है कंपेरेटिव में, तो इसमें ई आर तो नहीं लगेगा, स्ट्रॉन्ग आएगा इसका मतलब, ठीक है, यहाँ पर आएगा स्ट्रॉन्ग, मैंने स्ट्रॉन्ग लिख दिया, स्ट्रॉन्गर तो आएगा ही नहीं पॉजिटिव डिग्री में। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, डिग्री में आपको ध्यान रखना है, यदि नॉट नहीं दिया गया तो आपको नॉट लगाना है। इसमें नॉट नहीं दिया गया तो अब देखिए आर के बाद ही तो नॉट आएगा, हमेशा नॉट तीसरे नंबर पर ही आएगा, नॉट तो तीसरे नंबर पर ही आता हमेशा, कोई सा भी दुनिया का सेंटेंस हो नॉट आपका तीसरे नंबर पर आएगा, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड नंबर, तो तीसरे नंबर पर हमने नॉट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ध्यान रखना है, हम देन का प्रयोग होता है कंपेरेटिव डिग्री में, इससे पहले हम लिखवा चुके पॉजिटिव डिग्री में सो एज और एज एज आता है, तो यहाँ पर हम सो लगाएंगे, ये जो एडजेक्टिव है इसके पहले सो जोड़ देंगे और इसके बाद में एज जोड़ देंगे, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में देन तो रहेगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाता है, फिर आपका क्या रह गया, देन के बाद इसमें यू था, यू हम पहले ही लिख चुके, तो यू की जगह हम आई को ले जाएंगे, एज के बाद आई हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बनकर तैयार हुआ, यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, व्हेन कंपैरिजन इज गिवन ओनली बिटवीन टू पर्सन, टू थिंग्स, टू प्लेसेस, तब आप क्या करेंगे, तब निगेटिव सेंटेंस जब आपका बन रहा होगा, इसको आप नोट कर लें, जैसे ये निगेटिव सेंटेंस बन रहा था तो निगेटिव में आपको हमेशा सो एज लगाना है, तभी आप एज एज नहीं लगा सकते, तब जब दो के बीच में कंपैरिजन दी जाए। यदि आपने एज एज लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, निगेटिव में आपको सो एज का लगाना, सो एज का प्रयोग करना है, यदि अफर्मेटिव हो तो आपको एज एज का प्रयोग करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। जैसे ये निगेटिव था तो हमने सो एज का प्रयोग कर दिया, अगर ये अफर्मेटिव होता तो एज एज लगता, अभी हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही इज नॉट वीकर देन आई, वह मुझसे अधिक कमजोर नहीं है, ही और आई में कंपैरिजन हो रही, दो के बीच में हो रही कंपैरिजन, वह मुझसे कमजोर नहीं है, मेरी और उसकी कंपैरिजन हो रही, तो इसका हम क्या करेंगे, एक डिग्री दी गई कंपैरेटिव सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनेगी, कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती है।
तो अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग करेंगे, आई सबसे पहले लिख देंगे, इस तरह ये लास्ट में चला जाएगा, ये पहले आ जाएगा। तो हमने लिख दिया आई, ही के साथ इस था, तो आई के साथ ये हो सकता है क्या? नहीं होगा, तो आई के साथ हो गया एम, ठीक है। उसके बाद इसमें नॉट था, तो अब नॉट नहीं रहेगा, बताया था मैंने इस वाले सेंटेंस में जो भी हमने बनवाया था उसमें नॉट नहीं था, तो नॉट लगाया गया था। अब इसमें नॉट है, नॉट नहीं लिखेंगे, तो इसके आगे बढ़ेंगे, वीकर से क्या हो जाएगा, वीक, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे हमने स्ट्रॉन्ग से पहले सो और बाद में एज लगाया था, ये निगेटिव था इसलिए अफर्मेटिव हो गया, तो एज एज लगेगा, इस वीक से पहले एज और वीक के बाद भी एज, ठीक है। इसके बॉडीगार्ड हो गए, ऐसे मानिए कि ये बॉडीगार्ड्स हैं, बगैर बॉडीगार्ड्स के आपकी डिग्री नहीं बनेगी। कंपैरेटिव डिग्री में देन बॉडीगार्ड होता है, पॉजिटिव में सो एज और एज एज बॉडीगार्ड्स हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में द बॉडीगार्ड्स हैं। ये आप याद रखेंगे, यदि आपको छांटने को भी आएगा तो भी आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में छांट सकते हैं। तो हो गया आई एम एज वीक एज। अब देखिए देन तो कंपैरेटिव में ही लिखा जाता है, पॉजिटिव में लिखोगे नहीं, तो अब रह गया ही, एज की बात ही आ गया। तो देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव था, इसमें नॉट था, हमने नहीं लगाया, तो अब हम यहाँ एज एज लिखेंगे। यदि आपने इसमें सो एज का प्रयोग कर दिया तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये कब का रूल है, जब दो के बीच में कंपेरिजन है, ओनली तभी का। तो इस तरह से यदि दो के बीच में कंपेरिजन है तो आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यदि आप इसी तरीके से और भी डिग्रीज़ को बड़े आसानी से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरा वीडियो आपके सामने आने वाला है। तीन वीडियो में मैं पूरी डिग्रीज़ कवर करने वाला हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों का भी भला करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आप अपनी बुक में क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस छांटेंगे, छांटने भी सीखे जिनमें दो के बीच में कंपेरिजन हो रही है, वो छांट लीजिए पहले कितने हैं, और उन सारे सेंटेंस को बना डालिए, और बनाने के बाद में अब आप कैसे पता करेंगे सही हैं गलत हैं, पहले तो आपके सामने सब है ही, इसको फेयर कॉपी में अच्छी जगह नोट्स बना लें, उसके बाद में फिर भी यदि आपको कन्फ्यूजन अपना दूर करना है कि सही है या गलत है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ऐड हो सकते हैं। सिर्फ आप एक SMS कर दें, प्लीज़ ऐड सर, तो मैं आपका नंबर अपने व्हाट्सएप नंबर पर ऐड कर लूँगा, और फिर आप सारी जो इमेज है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना, उसके बाद मैं आपको सही सही आंसर जो भी होगा कॉपी मैं आपकी वहीं पर चेक कर दूंगा, और इसके लिए आपसे कोई पैसे भी नहीं लगने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।